नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि में करें ये टोटके, सच्चा प्यार से लेकर मनचाहा जीवन साथी तक सब कुछ मिलेगा। कहते हैं जोड़ियां बनाना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन कई बार आपको ऊपर वाले को याद दिलाना पड़ता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे सच्चे प्यार की तलाश है, या मुझे वो विशेष व्यक्ति ही अपने जीवन साथी के रूप में चाहिए। आपका दिल भी किसी न किसी पे आया होगा, लेकिन कई बार खराब किस्मत के चलते आपको उस विशेष व्यक्ति का प्यार नहीं मिल पाता है। लेकिन अब आप घबराइए नहीं, आज हम आपको कुछ ऐसे टोटके बताएंगे जिनका प्रयोग करने से आपको अपना मनचाहा प्यार मिल जाएगा। इन दिनों नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, नवरात्रि के दिनों को शुभ माना जाता है। इन दिनों सारे रुके हुए काम पूर्ण होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ऐसे में इन दिनों यदि आप टोटके करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों के अंदर सच्चा प्यार मिल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ मनचाहा प्रेमी पाने का उपाय। नवरात्रि की सप्तमी को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर दुर्गा माँ के मंदिर जाएं। मंदिर में माता रानी के चरणों में आपको एक श्रीफल यानी कि नारियल चढ़ाना होगा। इस नारियल को चढ़ाने के ठीक पहले अगरबत्ती की सहायता से अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिख दें। नारियल के ऊपर लिखा हुआ दिखना जरूरी नहीं है, बस आपको उसके ऊपर अगरबत्ती चलाकर नाम लिखना है। माता रानी अपनी मन की आंखों से उस नाम को पढ़ लेंगी। नाम लिखने के बाद नारियल को फोड़कर आधा मंदिर में चढ़ा दें और बाकी का आधा नारियल अपने साथ घर ले आएं और उसी दिन उस नारियल को आप खा के खत्म कर दें। याद रहे दोस्तों, यह नारियल आप ही को पूरा खत्म करना है, इसे किसी और व्यक्ति को मत दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ सच्चा प्यार या जीवन साथी पाने का उपाय। यदि आपके मन में कोई विशेष व्यक्ति नहीं है और आप चाहते हैं कि माता रानी खुद आपके लिए एक सच्चा जीवन साथी ढूंढे, तो यह उपाय अपनाएं। अपने घर के आसपास एक ऐसा पेड़ ढूंढें जो माता रानी के मंदिर के करीब हो। आपको उस पेड़ की हल्दी सिंदूर से पूजा करनी होगी। इसके बाद आंखें बंद कर सच्चे मन से माता रानी से अपने जीवन साथी की मांग करें और पेड़ पर एक नारंगी रंग का धागा बांध दें। आप यह धागा पेड़ की किसी भी शाखा पर बांध सकते हैं। इसके बाद तांबे के पात्र में भरा शुद्ध जल इस पेड़ पर चढ़ा दें। ध्यान रहे, आपको पात्र का पूरा जल नहीं चढ़ाना है, बल्कि आधा बचाकर रखना है। इसके बाद इस आधे जल से भरे पात्र को नंगे पैर माता रानी के मंदिर ले जाएं, जहां जल को माता रानी के चरणों में समर्पित कर दें और इस जल की कुछ बूंदें अपनी मस्तक और नेत्रों पर भी लगा लें। माता रानी ने चाहा तो जल्द ही आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। तो मित्रों, नवरात्रि में मिलेगा सच्चा प्यार, बस करने होंगे यह आसान उपाय। मित्रों, वास्तु टिप्स और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी। मित्रों,